Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, हम लोग आजकल सॉल्व कर रहे हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साइमन स्प्रिंग 2021 की, और इसके कोर्स का नाम है कंपल्सरी इंग्लिश 1. इसे तीन कोड के लिए बनाया गया है, 14223, 4907 एंड 5404 के लिए, और ये डील करती है तीन लेवल्स को, बीए, एसोसिएट डिग्री, एडी और बीएस वालों को. ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 100 हैं, 40 मार्क्स लेने हैं बीए वालों ने और बाकी लोगों ने लेने हैं 50 मार्क्स. असाइनमेंट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बेस करता है यूनिट नंबर 1 से 4 तक. आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे. तो 5 हल करने से पहले, ये पीछे मैं जरा इसलिए आपको शो करती रहती हूँ कि आपके बच्चों ने अगर यहाँ से देखना हो तो उन्हें पता चल जाए कि हम पहले 5-4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं. क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इन इस बुक के जो हैं वो लेक्चर्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए हुए हैं, क्योंकि बच्चों को बुक समझ नहीं आती है और सारे क्वेश्चन जो है बुक में से दिए गए होते हैं और इन्हीं में से पेपर आना है. तो आप वो लेक्चर्स जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनकी मदद से अपनी बुक को समझ सकते हैं. सो नाउ मूव टू टुडे लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर सेइंग दैट इन सेक्शन बी यूनिट 2 का सेक्शन बी में यू आर टॉट, आप पढ़ चुके हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वो कह रहे हैं आप पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाया जाता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने नीचे दिए गए जुमलों को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है. अच्छा, शुरू करने से पहले मैं बताते चलूं प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या. प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा काम होता है, जमाना है जिसमें काम प्रेजेंट में हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, ठीक है, लेकिन हाल में, माजी की बात नहीं करें, माजी करीब की बात करें. इसमें हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं. अगर उर्दू में कहें ऐसा काम जो खत्म हो चुका है, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर चुका, यानी कि खत्म हो चुका है, उसने अपनी असाइनमेंट लिख ली है, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं. तो मैं बता दूं हैज हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. सो ये सिंपल सा था, अगर आपने इस पर लेक्चर देखना है तो लेक्चर आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कैसे आपको बुक में समझाया गया है. ओके, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट उन्होंने सेंटेंस दिए जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है वो है शी इज कुकिंग द मील, वो खाना पका रही है. सो शी इज कुकिंग द मील, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है. तो मैंने क्या किया, शी को वैसे ही रखा है, सब्जेक्ट है, इस कुकिंग जो है वो उसको मैंने हैज कुक्ड में चेंज कर दिया है, क्योंकि कंटिन्यूअस में इज आर एन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो कुक्ड ही थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड है, सो हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है जी. कुक द मील, शी हैज कुक द मील, वो मील, वो अपना खाना पका चुकी है. द प्रोफेसर विल बी टीचिंग, प्रोफेसर क्या है, पढ़ा रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है. द प्रोफेसर हैज टॉट, प्रोफेसर जो है वो पढ़ा चुका है. सॉरी, यहाँ हैड लगा हुआ है, आपने यहाँ हैज लगाना है, ठीक है, ये पीडीएफ है, अदरवाइज मैं इसे अभी चेंज कर देती तो आपने क्या करना हैज लगाना है, हैड नहीं लगाना है. समटाइम मैं टाइप कर रही होती हूँ तो टाइपो एरर्स आ जाते हैं, ठीक है. अच्छा जी, थर्ड वन है ही गोज टू स्कूल डेली, वो हर रोज स्कूल जाता है या जाती है, तो हमने इसे हैज लगाना है. जैसे हैज ऐप का यूज है, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, शी हैज गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है. अब गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गोन होती है, गो वेंट सेकेंड है और थर्ड जो है गोन है, तो इसलिए यहाँ गोन आया, ठीक है जी. मिस्टर अली वेंट टू बैंक, मिस्टर अली जो है वो बैंक गए, वेंट सेकेंड फॉर्म है तो ये पास की बात हो रही है, ठीक है. तो हमने इसको जो है वो बनाना है, मिस्टर अली हैज गॉन टू बैंक, मिस्टर अली बैंक जा चुके हैं. फाइव वन है आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था, तो ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर है जी,
आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ. ठीक है जी. नेक्स्ट है कि शी हैज बीन वॉचिंग द किड्स, वो बच्चों को देख रही है. ठीक है, तो ये हैज हैव का यूज करते हुए शी हैज वॉच्ड द किड्स, वो बच्चों को देख चुकी है. वॉच्ड होता है थर्ड फॉर्म है ये. ठीक है, वॉच वॉच्ड वॉच. ठीक है जी. यू विल हैव बीन टीचिंग हिम फॉर आवर्स, तुम इसे घंटों से पढ़ा रहे होगे. ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे. ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है. हम लिखेंगे यू हैव टॉट हिम फॉर आवर्स, तुम इसे घंटों से पढ़ा चुके होगे. ही हैड बीन रेगुलरली गोइंग टू डेंटिस्ट, वो बाकायदगी से डेंटिस्ट के पास जा रही थी. तो पास्ट टेंस है, इसको हमने प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करना है. ही हैज रेगुलरली गोन टू द डेंटिस्ट, वो बाकायदगी से डेंटिस्ट के पास जाती रही है, जा चुकी होगी. ठीक है जी. या गई है, उसमें भी होता है कि काम खत्म हो चुका है, वो बाकायदगी से डेंटिस्ट के पास गई है, मीन जाती रही है लेकिन काम खत्म हो गया है. ठीक है. टॉम विल रीड द बुक, टॉम क्या है, बुक को पढ़ेगा. ये फ्यूचर इंडेफिनेट है. ठीक है, इसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है. टॉम हैज रेड द बुक, स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन ये पढ़ा रेड जाता है, तो थर्ड फॉर्म है इसकी. ठीक है जी. टेंथ पे है जी. ही गोज टू मॉक्स एवरी डे, वो हर रोज मस्जिद जाता है. क्या कहेंगे, ही हैज गॉन टू मॉक्स एवरी डे, वो हर रोज मस्जिद जा चुका होता है. ठीक है जी. ये बन गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सबका सोल्यूशन. सो होपफुली ये आपको आपके असाइनमेंट में हेल्पफुल होगा. सो व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफिज फॉर नाउ.